इसका मतलब है कि आदिल पूरी रात घर नहीं आए, फिर कहां गए? पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की बहुत ही खूबसूरत मारूफ और अच्छी अदाकारा जो पिछली दो दहाइयों से ड्रामा इंडस्ट्री से वाबस्ता है, टीवी की मशहूर और मरूफ एक्ट्रेस नाहिद शब्बीर साहिबा। हमारे घर तक बात सब नहीं नहीं आप बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ही मेरी बात करते हैं। शाहजद भाई, क्या घर है आपका, यहाँ की एक एक चीज देखिए। नाहिद शब्बीर लेट 70s को कराची में एक मतवस्त घराने में पैदा हुई। फैमिली में से किसी का भी ताल्लुक शोबिज इंडस्ट्री से कभी नहीं रहा। अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में मुख्तलिफ फंक्शंस, शोज और ड्रामों में अदाकारी का शौक था। ऐसे फंक्शंस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करती थी। उससे पहले आपको बताते चले कि नाहिद शब्बीर टोटल 11 बहन भाई थे, जिनमें से नाहिद शब्बीर सबसे छोटी थी। छोटी होने की वजह से अपने बहन भाइयों और माँ बाप की लाडली थी। एमए तक तालीम हासिल की, पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद जॉब की तलाश शुरू कर दी। इस तरह टीचिंग की जॉब मिली और टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हो गई, तो बतौर टीचर स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। 3 साल तक टीचिंग से वाबस्ता रही। फिर ड्यूरिंग टीचिंग एक फैमिली फंक्शन में ड्रामा और फिल्म डायरेक्टर फहीम बर्नी से मुलाकात हो गई। उन्होंने नाहिद शब्बीर को ड्रामा में काम करने की ऑफर की, जिस पर नाहिद शब्बीर ने फौरी हाँ कर दी, क्योंकि अदाकारी नाहिद शब्बीर का पैशन था। जब घर वालों को मालूम हुआ तो उन्होंने मुखालफत की, लेकिन घर में छोटी होने की वजह से जिद करके अपनी मनवाई और यूं 1997 को हसीना मोइन का ड्रामा एक नए मोड़ पर का हिस्सा बने। इस ड्रामे से पहचान मिली और कामयाब हो गई। इसके बाद मुख्तलिफ ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। इसके साथ साथ फैशन इंडस्ट्री में भी कदम रखा, मॉडलिंग के शोबे में भी कामयाबी हासिल की। अगर नाहिद शब्बीर के मशहूर ड्रामों की बात की जाए तो उनमें से चंद एक के नाम है बिनते आदम, बेजुबां, बिछड़ेंगे अब कैसे, ख्वाब टूट जाते हैं। अब तक तकरीबन 70 से ज्यादा टीवी ड्रामों में अपनी जानदार अदाकारी से खुद को मनवा चुकी हैं। 2019 में हम टीवी का मशहूर ड्रामा तावान में एनी के किरदार में नजर आ चुकी हैं। अगर बात की जाए नाहिद शब्बीर की जाती जिंदगी और अजवाजी जिंदगी के बारे में, तो नाहिद शब्बीर ने 2010 में आमिर मिर्जा से शादी की, जिसमें से कोई भी औलाद नहीं हुई। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नाहिद शब्बीर के उसमें से बच्चे हैं। खैर, ये शादी एक लंबा अरसा चली। इख्तलाफात की वजह से नाहिद शब्बीर और आमिर मिर्जा के दरमियान अलहदगी हो गई और फिर तलाक हो गई। इस शादी के खत्म होने पर नाहिद शब्बीर ने दूसरी शादी की। नाहिद शब्बीर ने दूसरी शादी 2019 में नुमान तैयब खान उर्फ नोमी से की। नोमी और नाहिद की ये दूसरी शादी थी। इससे कबल भी नोमी एक शादी कर चुका था, जिसमें से उसके बच्चे भी थे, लेकिन नोमी ने अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर नाहिद शब्बीर से दूसरी शादी करके इसके पास आ गया। सोशल मीडिया पर इस शादी की तस्वीर वायरल हुई तो मदाहों की जानब से सख्त तनकीद की गई। तनकीद की एक वजह तो ये थी कि नोमी अपनी पहली बीवी और बच्चों को बेयारो मददगार छोड़कर नाहिद शब्बीर से दूसरी शादी रचा ली। जो मर्द अपनी पहली बीवी या बच्चों का नहीं बन सका, वो दूसरी बीवी का कैसे बनेगा? जबकि दूसरी तनकीद ये थी कि नाहिद शब्बीर ने एक शादीशुदा मर्द का घर खराब किया, बल्कि खुद का भी घर खराब किया। और तीसरी सबसे आखिरी वजह यह थी कि नाहिद शब्बीर अपनी दूसरी शादी 40 साल से भी ज्यादा उम्र में करवा रही थी। इतनी उम्र में शादी, वो भी दूसरी, और ऐसे मौके पर ऐसे सजना सवरना, जैसे नाहिद की उम्र 20 साल या उसकी पहली शादी हो। खैर, हमारे ख्याल से ऐसा कहना दुरुस्त नहीं। हर इंसान की अपनी मर्जी होती है कि वो खुशी का मौका कैसे सेलिब्रेट करता है। नुमान तैयब उर्फ नोमी, जो कि प्रोड्यूसर थे और अब एक सरकारी ऑफिसर है, फैसल कुरैशी जो नोमी खान की पहली शादी में भी उसके साथ थे, जबकि दूसरी शादी में भी उसी तरीके से खुशियां मना रहे थे, शायद इस वजह से क्योंकि फैसल कुरैशी ने भी एक से ज्यादा शादियां कर रखी हैं। हमारे मुआशरे में आजकल जिस तरह के टीवी ड्रामे देखने को मिल रहे हैं, जिसमें इस्लाह की बजाय मुआशरे में बिगाड़ पैदा किया जाता है कि लड़का शादी करता है, फिर उसको कोई और लड़की पसंद आ जाती है, पहली बीवी को उसका दोस्त पसंद आ जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं, फिर दूसरे से तलाक लेकर तीसरे की तलाश शुरू कर दी जाती है। जैसा ड्रामों में शादी और तलाक को बुरा नहीं समझा जाता, वैसा ही अब हकीकत में भी हो रहा है। छोटी छोटी बात पर तलाक और दूसरी शादी आम हो चुकी है। एक वक्त ऐसा भी था जब पीटीवी का सुनहरा दौर होता था, जब मुआशरे में मुस्बत सोच को परवान चढ़ाने के लिए ड्रामों में खानदानी निजाम को दिखाया जाता था और खानदानी अहमियत को उजागर किया जाता था, तारीखी ड्रामे बनाए जाते थे। लेकिन अफसोस के आजकल के दौर में सिर्फ और सिर्फ बेहयाई और मगरबी कल्चर को प्रमोट करने की जदोजहद जारी है, और इसमें काफी हद तक कामयाबी हुए हैं। हमारा खानदानी निजाम, जिसको यूरोप अमेरिका में पसंद किया जाता था, हमारी मिसाल दी जाती थी, मगर अफसोस के आज हमारा वही कल्चर खत्म होता जा रहा है, जिसकी वाजे मिसाल हमारी अदाकारों की छोटी छोटी बातों पर अपनी बीवी बच्चों को छोड़ जाना और दूसरी शादी कर लेना, लड़कियों का शादीशुदा मर्दों के घर खराब करना। खैर, इस टॉपिक पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे।
हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक नहीद शबीर की अजवाजी जिंदगी को कामयाबी अता फरमाए और औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन। अगर आप नहीद शबीर साहिबा को कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको फौरी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही के बेल ऑप्शन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप पाकिस्तान के दीगर नामवर फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप माजी के लेजेंड फनकारों के मुतालिक जान सकते हैं। स्क्रीन पर आप फनकारों की वीडियोस के थंबनेल भी देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं। अगर ये तमाम वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो उसी प्लेलिस्ट जिसका नाम है पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी, उसका विजिट लाजमी कीजिए। आपको ये तमाम वीडियोस वहां मिल जाएंगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।